हाय फ्रेंड्स, एसपी के चैनल में आपको स्वागत है। आज आप सबको बताने जा रहे हैं 100 प्रमाणित घोषणा पत्र कैसे आप भर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले 100 प्रमाणित घोषणा पत्र आपको प्रिंट करके रख लेना है। इसके बाद यहाँ पे मैं लिखा है, तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। हम यहाँ पे ऐसे टाइप कर रहे हैं, आप पेन से अपना नाम लिखेंगे। यहाँ से अपना नाम लिखेंगे। यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे पुत्र, पुत्री, पति, स्त्री। तो यहाँ पे आपको अगर पुरुष हैं तो अपने पिता का नाम लिखेंगे, अगर महिला है तो उनके यहाँ पे आपको पति सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अगर आप पुरुष हैं तो यहाँ पे पुत्र सेलेक्ट करेंगे, अगर बालिका है कोई लड़की है तो उसका पुत्री सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम जैसे लिख रहे हैं अपने पिता का नाम, के बाद यहाँ पे आपको अपना जन्मतिथि लिखना है। जो भी जन्मतिथि है उसे आप पेन से भरेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप व्यवसाय लिखेंगे। व्यवसाय में जैसे कृषि है, अगर पुरुष है तो उसका कृषि लिखेंगे, महिला है अगर गृहिणी है तो गृहिणी लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे स्थान पे अपने गांव का नाम लिखना है, जिस भी अपने गांव से हैं। यहाँ पे अपने गांव का नाम लिखने के बाद, इसके बाद यहाँ पे आपको पोस्ट का नाम लिखना है, अपने पोस्ट का। यहाँ पे आपको अपने पोस्ट का नाम लिखना है। इसके बाद यहाँ पे अपने जिले का नाम लिखेंगे। इसके पे अपने जिले का नाम लिखने के बाद, इसके बाद आपको यहाँ पे इसके बाद आपको अब कुछ नहीं लिखना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए स्थान है जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं, उस स्थान का नाम लिखेंगे। यहाँ पे उस स्थान का नाम लिखने के बाद, इसके बाद यहाँ पे आपको दिनांक डालना है। जो भी जिस तारीख को आप अप्लाई कर रहे हैं उस तारीख का यहाँ पे लिखेंगे, जैसे हम अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे तारीख डालने के बाद यहाँ पे आवेदक के हस्ताक्षर लिखा गया है, तो यहाँ पे आपको अपना पेन से साइन कर देना है, जो भी आप साइन करते होंगे। यहाँ पे आपको साइन कर देना है। ये सब हमने टाइप किया है, आपको पेन से भरना है। तो ऐसे आप 100 प्रमाणित घोषणा पत्र भर सकते हैं। जो आयजात निवास में लगता है उसका 100 घोषणा पत्र ऐसे आप भर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल एसपीके को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।